सो अपने नेजी भाई करेंटली बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में गए हुए हैं और अपने नेजी भाई तो स्टड निकले। घर में घुसते ही नेजी भाई ने गर्लफ्रेंड भी बना लिया। जोक्स अपार्ट, सो नेजी का अब तक का घर में जो बिहेवियर था वो देख के मुझे काफी अच्छा लगा। वो घर में बहुत ही कूल और शांत स्वभाव के नजर आ रहे हैं, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लग रहा था नेजी थोड़े से हॉट टेम्पर्ड होंगे, उनका एग्रेशन हमें देखने को मिलेगा, जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है नेजी के साइड से। अभी तक मुझे नेजी का सेंसिबल अप्रोच, लाइक वो बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं और जितना हो पा रहा है उतने लोगों से इंटरैक्ट भी कर रहे हैं, जो मुझे बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगा। नेजी को अभी 2 दिन के बिग बॉस एपिसोड में इतना कैमरा स्क्रीन मिला है जितना शायद एमसी स्टैन को भी, जब वो बिग बॉस जीते थे तो उनके सीजन में पहले 2 दिन में नहीं मिला था। और एमसी स्टैन से याद आया, अभी कुछ दिन पहले इंटरनेट पे एक आर्टिकल सर्फेस कर रहा था जहां पे नेजी ने एमसी स्टैन के अगेंस्ट कुछ इंटरव्यूज दिए हैं, उनके म्यूजिक को क्रिटिसाइज किया है। तो हम उस आर्टिकल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्या वो आर्टिकल इवन रियल है या फिर ऐसे ही उसे पब्लिश कर दिया गया है फेक पीआर बता के, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी बता रहे हैं कि ये फेक पीआर हो सकता है। इसकी क्या सच्चाई है हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, पहले बिग बॉस के बारे में और नेजी भाई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो एक क्रेजी गाना। Check the song of the day. मैं पाला था मेन को धारा मैंने कागज पे, रैप के लिए एनी टाइम पागल थे, भूख नहीं लग रही जो चावल पे, महफिल है भाई लोग पावर में, डब्ल्यू में शॉट हुआ धारा बैठी और चार्जर अंदर हुए जी 66 में, हर दिन हुड में सुनू अलग किस्से, इधर होश में लाते एक झापड़ में, सपनों के खातिर मैं घर से भागा, माँ से होती बस कॉल पे बात। आर्टिस्ट है सातेर और गाने का नाम है थग्स डोंट क्राई। भाई के साइड से हम एक बहुत ही बढ़िया ड्रिल ट्रैक, मेलोडिक ड्रिल ट्रैक देखने को मिला है। So, सातेर भाई को आई थिंक तुम सब जानते होगे, मैंने भी इनको बहुत बार मेंशन किया अपने चैनल पे, और भाई का इवन एक साल पहले हमें विजय डीके के साथ गाना देखने को मिला था रियल इज रेयर, जो कि बहुत ही बढ़िया गाना था। और भाई मतलब अभी सीन में थोड़े टाइम के लिए गायब हो गए थे, बट बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है और भाई की वापसी क्या तगड़े तरीके से हुई। आई लव दिस ट्रैक भाई, बहुत अच्छी म्यूजिक प्रोडक्शन है और जिस तरीके से पूरे गाने को बनाया गया है, कंपोजिशन एवरीथिंग इज रियली रियली गुड। सो जाओ गाना चेक करो, वाइब भाई डेफिनेटली पसंद आएगा, तुम लोग वाइब करोगे और मेरी तरफ से भाई को ढेर सारा प्यार देना। जाओ चेक करो, भाई को प्यार दो। और सबसे ज्यादा सरप्राइज तो मैं तब हुआ जब मैंने देखा कि बिग बॉस के सब रेडिट पे नेजी भाई की तारीफ चल रही है। ठीक है, तुम लोग को याद होगा कि DHH और बिग बॉस सब रेडिट के बीच हमें एक बीफ देखने को मिला था जब एमसी स्टैन बिग बॉस में गए थे, पर शायद वो बीफ हम इस बार विटनेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि भाई बिग बॉस सब रेडिट वाले भी नेजी को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक चीज जो मुझे सही नहीं लगी थी, जब नेजी ने घर में एंटर किया था उस टाइम पे मैंने ये नोटिस किया कि बहुत सारे लोगों ने नेजी को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करी। लाइक स्टार्टिंग का जो टाइम था ना, वहां पे नेजी को थोड़ा सा इग्नोर किया जा रहा था। मे भी लोग नहीं जानते हैं नेजी कौन है, या फिर नेजी के बारे में जो बाकी कंटेस्टेंट थे उन्होंने पहले कभी सुना नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी कि घर वाले नेजी भाई को थोड़े अच्छे से ट्रीट करेंगे, जो उन्हें नहीं किया गया। पर धीरे धीरे चीजें बेटर हुई, नेजी घर वालों के साथ इंटरेक्ट करने लग गए, और जब एक बार नेजी खुल जाते हैं तो तुम्हें पता है क्या होता है, एग्जैक्टली फ्री स्टाइल। और नेजी ने मल्टीपल फ्री स्टाइल उसके बाद फेक के मारे सबके मुंह पे। इसके साथ साथ मैंने एक और चीज नोटिस किया कि नेजी भाई पूरे पीआर ट्रेंड नजर आ रहे हैं। ठीक है, लाइक उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ले रखी है कि जब कोई सवाल पूछा जाएगा तो उसे किस तरीके से उस सवाल का जवाब देना है, जिसमें कोई भी गलत बात नहीं है। बाकी कंटेस्टेंट भी उस तरीके से ट्रेंड होके आए होंगे, पर ये जो ट्रेनिंग है ये सिर्फ 2-3 दिनों तक ही काम करती है, उसके बाद सब ट्रेनिंग जो कंटेस्टेंट है वो भूल जाते हैं। पर नेजी भाई से जब भी उनके हसल के बारे में, उनके करियर के बारे में सवाल पूछा जा रहा है ना, वो एक ही चीज, ऐसा लग रहा है कि वो रटा हुआ है नेजी भाई का, और वही चीज को वो बार बार बता रहे हैं। कुछ अलग चीजें, कुछ डिफरेंट स्टोरी मैं सोच रहा हूँ कि शायद नेजी सुनाएंगे, बट वो सेम चीजें बार बार बता रहे हैं, जो मुझे थोड़ा सा मोनोटोनस लगा कि नेजी भाई और भी अपनी स्टोरी बता सकते हैं। मुझे लगता है नेजी गली बॉय के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि लोगों को पता होगा कि वो जो मूवी है वो नेजी से इंस्पायर्ड है। और मैंने 24 आवर्स तो बिग बॉस नहीं देखा है, शायद उन्होंने बताया भी होगा, जो 2 दिन का एपिसोड अभी तक आया है ना, 2 या 3 दिन जो भी आया है वो मैंने बस देखा है। 24 आवर्स मेरे लिए देखना पॉसिबल नहीं है, इवन 1-1 घंटे वाला भी देखना पॉसिबल नहीं है, बट नेजी भाई की वजह से सिर्फ मैंने ये 2 एपिसोड देखा है, और भी मैंने सोचा कि जब मैंने 2 घंटे बर्बाद किए हैं तो उसका कहीं तो इस्तेमाल कर लिया जाए, तो फिर मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ भाई, तुम लोग व्यूज दे देना भाई, कुछ तो फायदा हो जाएगा मेरा, नहीं तो 2 घंटे बिग बॉस देखने से वेस्ट हो जाएंगे मेरे। ठीक है, इवन नेजी ने एमिवे बंटाई को भी मेंशन किया, लव कटारिया जो कि इस साल के जोकर माने जा रहे हैं, मतलब
जैसे UK07 राइडर थे ना पिछले वाले बिग बॉस में, वैसे ही उनको कंसिडर किया जा रहा अभी तक जो मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पे, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि आप एमईवी को जानते हो, एमईवी आपका दोस्त है क्या? तो उन्होंने बताया हाँ एमईवी मेरा दोस्त है और मैं उनके साथ एमईवी के साथ चिल भी कर रहा था बिग बॉस में आने से पहले। इवन नेजी ने आई थिंक ये गलती से हुआ होगा फ्लो में जो रिसेंट तल्हा अंजुम का डिस्ट्रैक्ट है वो भी थोड़ा सा परफॉर्म कर दिया, वो सना के लिए एक रैप कर रहे थे और उन्होंने वहां पे नापाक के कुछ लाइन भी साथ में ड्रॉप कर दिए। सो अभी तक नेजी बिग बॉस OTT सीजन 3 में बहुत ही सही नजर आ रहे हैं। उनकी जो पर्सनालिटी है वो मुझे बहुत ही ज्यादा प्योर लग रही है, ट्रू लग रही है, ठीक है। एमसी स्टैन से मैं कंपेयर नहीं करना चाहूंगा क्योंकि एमसी स्टैन की पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट थी, नेजी की पर्सनालिटी बहुत ही डिफरेंट है। लाइक वो बहुत ज्यादा शांत नजर आ रहे हैं और ये देखने वाली बात होगी कि फ्यूचर में उनकी किसी से लड़ाई होती है नहीं होती है, वो किसी डिबेट में या फिर बहस में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। और अभी तक 2-3 एपिसोड में मुझे ये समझ में आया है कि नेजी का सोल बहुत ही प्यारा है एंड वो बहुत ही अच्छे इंसान नजर आ रहे हैं, जो कि मेरे लिए या फिर बिग बॉस में अगर कोई भी आदमी बेटर इंसान नजर आता है ना तो वो भाई सो जीतने से भी ज्यादा अच्छा है। और नेजी सो जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो देखने वाली बात होगी, अभी इतनी अर्ली प्रिडिक्शन नहीं कर सकता हूँ मैं। लेट्स सी अगर और वीडियोज आएंगे फ्यूचर में, भाई बिग बॉस है अगर मैं देखूंगा तो भाई कुछ तो एडवांटेज निकालूंगा उससे, वीडियो तो बनाऊंगा, अगर मैं देख रहा हूँ तो वीडियो बनाऊंगा भाई, मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा तो भाई तुम लोग का भी टाइम वेस्ट कराऊंगा। नहीं क्या बोल दिया मैंने, नहीं ठीक है, मतलब फ्यूचर में वीडियो आएंगे तो वहां पे हम प्रेडिक्शन करेंगे, बट अभी तक नेजी इज गोइंग गुड इन बिग बॉस। एक चीज जो मैं बताना भूल गया, नेजी भाई जो है ना बीच बीच में जोन्ड आउट नजर आते हैं, अगर तुम लोगों ने अभी बिग बॉस देख रखा, अगर नहीं देख रखा तो भी मैं बताता हूँ कि कोई भी बात करता है ना या फिर कोई दो बंदे बात कर रहे हैं या फिर कुछ भी चीजें कन्वर्सेशन चल रही है तो ऐसा लगता है कि नेजी भाई जोन्ड आउट है, ठीक है। वो एक मुझे प्रॉब्लम नजर आई जो थोड़ी सी एनॉइंग सी लगी मेरे को, बाकी एवरीथिंग इज गुड भाई। और हाँ, जो मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि नेजी का एक इंटरव्यू आया है जहां पर उन्होंने एमसी स्टैन की म्यूजिक के अगेंस्ट बातें करी थी, सो नेजी का ये बोलना है कि एमसी स्टैन जो है वो अपने म्यूजिक में गालियों का यूज करते हैं या फिर उनकी जो म्यूजिक होती है वो नेजी को पसंद नहीं है, जिस तरीके का वो म्यूजिक बनाते हैं या फिर जिस तरीके के सब्जेक्ट पे या फिर जिस तरीके के टॉपिक पे वो बात करते हैं वो नेजी को पसंद नहीं है। और अगर तुम इस आर्टिकल के टाइटल पे नजर डालो तो टाइटल ऐसा बोल रही है, एक्सक्लूसिव बिग बॉस OTT सीजन 3, नेजी सेज एमसी स्टैन इजंट अ वैलिड रैपर, स्लैम्स हिज म्यूजिक, ही डिसरिस्पेक्ट्स वुमेन। बट मल्टीपल एमसी स्टैन के फैन पेजेस ने इस स्टोरी को रीशेयर करके ये बोला कि ये नेगेटिव PR है नेजी के अगेंस्ट या फिर एमसी स्टैन के अगेंस्ट और ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये आर्टिकल फेक हो सकती है। सो ऐसे आर्टिकल अगर तुम लोग को जब भी नजर आते हैं चेक करो कि कहां से आए हैं, कौन से सोर्स से आए हैं, अगर सिर्फ एक स्क्रीनशॉट सरफेस हो रहा है तो उस पर ट्रस्ट नहीं करो, खुद रिसर्च कर लो कि वो आर्टिकल सही है या फिर नहीं है, बाकी तो तुम लोग खुद समझदार हो ही। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो ऑन माय फर्स्ट इंप्रेशन ऑन नेजीज फ्यू एपिसोड, फ्यू बिग बॉस एपिसोड। बाकी तुम लोग को नेजी बिग बॉस में कैसे नजर आ रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है बिग बॉस जीतेंगे नेजी या फिर अभी तक नेजी का गेम, अभी तो गेम स्टार्ट भी हुआ नहीं है वैसे, बट कैसे लग रहे हैं नेजी भाई अपने बिग बॉस में, तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। भाई चैनल पहली बार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।